आपने वीडियो के थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है, 2+2=4 लिखकर आपने पैसे कमाने हैं। जिस तरीके से स्कूल में टीचर्स बच्चों को पेजेस पर सम्स लिखकर देती हैं, यही काम आपने अपने घर पर बैठ के ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन एक पेज पर सम्स लिख के देने हैं और उसके जरिए आपने पैसे कमाने हैं। सिर्फ एक दो पेजेस लिखने के आपको 2,500-3,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आप लोग खुद से पेजेस पर सम्स भी नहीं लिख सकते तो आपकी बहन उसका अल्टरनेट मेथड भी इसी वीडियो में आपको बताएगी। सारा काम एक एक क्लिक करके मैं आपको सिखाऊंगी। अगर सीखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में कुछ ऐसे स्किल्स भी हैं जिसमें आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई ज्यादा डिग्री और एजुकेशन की जरूरत होती है, बल्कि 5 मिनट के कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को सीख कर आप डेली बेसिस पर 2,000-2,500 रुपए और महीने के 60-70,000 रुपए कमा सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, सही राह की जरूरत होती है, प्रॉपर ऑथेंटिक मेथड की जरूरत होती है, रियल वर्क की जरूरत होती है, काम को प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत होती है। लेकिन आप लोग रियल वर्क को स्किप कर करके देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर काम समझ नहीं आता और आप दूसरी फेक एप्लीकेशंस के पीछे भाग रहे होते हैं, उन पर वर्किंग कर रहे होते हैं, फेक वीडियोस को देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती। यकीन करें, मुझे इस तरह की फेक वीडियोस की प्रमोशंस की ऑफर आती हैं जिनमें अच्छे खासे डॉलर्स मुझे पे किए जा रहे होते हैं कि मैं सिर्फ एक पेड प्रमोशनल वीडियोस इनके लिए बना दूं, लेकिन मैं रिफ्यूज कर देती हूं। जस्ट बिकॉज कि जब मैंने ये चैनल अर्निंग विद फरनाज बनाया था तब से मेरा सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह से मैंने धक्के खाकर सारा काम सीखा है, ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में खुद को कामयाब किया है, तो मैं आप लोगों को सही गाइड करके लेजिट काम प्रोवाइड करूं ताकि आप लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। फर्स्ट वीडियो से लेकर आज 110 वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब तक मैंने एक वीडियो भी फेक नहीं बनाई, ना ही कोई फेक प्रमोशन एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी हलाल कमाती हूँ और हमेशा आप लोगों को भी कमाने के हलाल रास्ते सिखाती हूँ। आज के वीडियो में हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। सिर्फ आपने एक पेज पर सम्स लिखकर देने हैं और उसके जरिए आपने पैसे कमाने हैं। और आज मैं आपको काम लेने का वो तरीका भी बताऊंगी जिस पर मैंने बिगिनिंग लेवल में काम लेना स्टार्ट किया था, जब मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं थे, बिल्कुल मैंने स्टार्टअप लिया था, तो मैंने भी इसी मेथड को फॉलो करके काम लेना शुरू किया था। सारा काम मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में सिखाने जा रही हूँ। आपने वीडियो को प्रॉपरली वॉच करना है, क्योंकि मैं एक एक क्लिक करके आपको सारा काम समझाऊंगी। याद रखे, हमेशा लेजिट काम को सीखे। जो काम ऑथेंटिक होता है उसमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बाद सिला लाजमी मिलता है। वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी बहन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की रियल और ऑथेंटिक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है कैनवास। तो आपके सामने कैनवा डिजाइन की ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये वो एप्लीकेशन है जो एक मिनट के अंदर आपका काम करके दे देगी। अब यहाँ सर्च बार पर आप टाइप करेंगे मैथ्स वर्कशीट। मैंने यहाँ पर सर्च किया मैथ्स वर्कशीट, तो मेरे सामने बहुत सारे वर्कशीट्स के डिज़ाइन आ गए जो कि सारे मैथ्स वर्कशीट्स के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइन है जो कि पूरी तैयार वर्कशीट्स हमें मिल रही हैं। यहाँ पर आपको फ्री वाली भी मिल रही हैं और प्रो वाली भी मिल रही हैं। ये जो प्रो वाली हैं इनको भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका बताना मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इस पर तो आपको इसका तोड़ मिल जाएगा और आप ये प्रो वाली भी फ्री में यूज़ कर सकेंगे। वरना आप फ्री वाली को यूज़ करके भी अपना सारा काम कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपको फ्री वर्कशीट्स पर ही सारा काम करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हम कोई सा भी एक अच्छा सा डिज़ाइन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली एक वर्कशीट मैंने ओपन कर ली है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वर्कशीट है। जिस तरह से स्कूल में वर्कशीट्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह की ये वर्कशीट है। ऊपर हेडिंग डली हुई है, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, नेम का कॉलम है, क्लास का कॉलम है, मेन क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे टाइम भी लिखा हुआ है, नीचे सारे आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इसके अंदर से आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर ये टाइम जो मैंशन हुआ है ये रिमूव करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर आ गई। अब यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करना है। मैंने यहाँ पर लिखना है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने जस्ट सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ऐड कर दिया।
मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया, वो क्वेश्चन मैंने रिमूव करके अपनी मर्जी का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया। नीचे आपके पास मार्क्स का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आप मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक बनी बनाई वर्कशीट आ गई। आपने इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो ऊपर की तरफ एरो है आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और फिर से आपने डाउनलोड करना है, ये आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। कुछ आपको नहीं करना पड़ा, जस्ट आपने थोड़ी सी चेंजेस की, पूरी बनी बनाई वर्कशीट आपके पास आ गई। ठीक है, एक वर्कशीट हमारी ये तैयार हो गई। अब अगर आपको पूरा सेट तैयार करना है वर्कशीट का, तो उसका तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ। अब यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वर्कशीट उठा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये इनवर्स काउंटिंग की वर्कशीट है, ये मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन दे रहा है ऐड टेम्पलेट एज न्यू पेज, तो मैं इसको ऐड एज न्यू पेज कर देती हूँ कि मुझे नए पेज पर ये चाहिए। ठीक है, ये नया पेज है, ऊपर नेम का कॉलम है, डेट का कॉलम है, फिर हेडिंग है, उसके बाद ये पूरी वर्कशीट है। अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर सब कुछ एडिटेबल है, आप जो चीज़ चाहें चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एडिट के ऑप्शंस आ जाएंगे, एडिट है, फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं इन फीचर्स को यूज करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, नीचे मेरे पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ से ये ब्लू कलर चूज कर लिया। ठीक है, अब इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू पर आ गया। अब नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है चेंज ऑल, ठीक है, चेंज ऑल पर मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि पूरी वर्कशीट का कलर ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने इसमें और पेजेस ऐड करने हैं तो उसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये ब्लैंक एरिया पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से राइट हैंड साइड पर फोर बॉक्सेस आ जाएंगे। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं फोर स्क्वायर्स आपके पास आ रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट पेज इसने ये वाला पिक किया, जो मैंने पहली वर्कशीट ली थी उसको फर्स्ट पेज कर दिया इसने, ये इसको सेकंड पेज कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला पेज रिमूव कर दूँ, तो इस पर क्लिक करके मैं ये डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये डिलीट हो गई। ठीक है, अब ये जो इनवर्ट्स काउंटिंग की वर्कशीट थी ये मेरी फर्स्ट वर्कशीट हो गई। अब यहाँ प्लस पर मैं क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से सेकंड वर्कशीट ऐड करूंगी। अब इसके बाद पेज नंबर टू पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब यहाँ आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी सेकंड वर्कशीट चूज कर लेनी है। अभी ये इनवर्ट्स काउंटिंग 12 तक थी, जो हमारा पेज नंबर 1 था। अब मैं ये 13 ऑनवर्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मेरा पेज नंबर 2 हो गया। अब इसके अंदर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं पेज नंबर 3 ऐड करना चाहती हूँ, दोबारा से मैं ये 4 स्क्वायर्स पर क्लिक करूंगी और यहाँ पेज नंबर 3 पर आ जाऊंगी। यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज यहाँ से ऐड कर लेंगे। लेट सपोज मैं ये वाली वर्कशीट ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने ये वाली वर्कशीट चूज कर ली, इसको भी इसमें ऐड कर लिया। इस तरह से आप पूरे वर्कशीट के सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सेट मेरा तैयार हो गया है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पूरी तीन वर्कशीट का एक सेट मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर इसी डाउनलोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल टाइप आपके पास पीडीएफ स्टैंडर्ड सजेस्टेड में आ रहा है, आपने इसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, और सिंपली आपने ये पर्पल डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो गई है, ये पूरे पेजेस जो हमने 3 पेजेस तैयार किए थे, ये पूरे 3 के 3 पेजेस आपके मोबाइल के अंदर एक ही फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। अब मैं अपने मोबाइल की डॉक्यूमेंट फाइल्स पर आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ जो अभी हमने रेडी की थी वो वर्कशीट किस तरह से शो हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 मिनट पहले अभी लाइव मैंने आपके सामने ही तैयार किया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये है हमारी फर्स्ट वर्कशीट, फिर उसके बाद आ गई हमारी सेकंड वर्कशीट, फिर आ गई हमारी थर्ड वर्कशीट। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सेट रेडी हो जाएगा, जितनी वर्कशीट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल वर्कशीट डाउनलोड करेंगे तो वो इस तरह से सिंगल वर्कशीट भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। बस इतना सा काम सिर्फ आपने करना है, आपको यहाँ पर बेहिसाब वर्कशीट के सैंपल्स मिलेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सैंपल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये आपको कवर पेज मिल रहा है, आप यहाँ से ये कवर पेज भी चूज कर सकते हैं, ग्रेड 1 राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आप ग्रेड 1 के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप तैयार कर रहे हैं ग्रेड 2 के लिए, आप यहाँ पर इसको चेंज करके ग्रेड 1 की जगह ग्रेड 2 कर दीजिए। अब अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो राइटिंग को रिमूव कीजिए यहाँ से और राइटिंग की जगह पर आप मैथ्स लिख दीजिए। यहाँ इस तरह से आप अपना कवर पेज भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, काम आपने सीख लिया, काम करने का प्रॉपर तरीका सीख लिया, अब इस काम के थ्रू आपने पैसे कैसे कमाने हैं वो सीख लीजिए। अब हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे एफ
Fiverr, फाइवर, ठीक है। फाइवर के नाम से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है और ना ही भागना है, क्योंकि फाइवर पर मैं आपको इस काम का पहले स्कोप दिखाऊंगी, सारा प्रूफ दिखाऊंगी, और साथ ही मैं आपको बगैर फाइवर ज्वाइन किए, बगैर अकाउंट क्रिएट किए यहाँ से ऑर्डर्स लेने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। इसलिए आपने वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, वरना इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप मिस कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 39 ऑर्डर्स कर चुके हैं। ये सिंपल वही सारे कैनवा के डिज़ाइंस को कॉपी करके डाउनलोड करके सेल कर रही हैं और यहाँ से अर्निंग कर रही हैं, और अराउंड 3000 रुपये में एक ऑर्डर दे रही हैं। 39 ऑर्डर्स 5-स्टार रेटिंग के साथ ये कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। ये फायजा अनम है, नेम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि ये पाकिस्तानी है, ठीक है। 14000 के आपको ये मैथ क्विजेज दे रही हैं, साइंस की वर्कशीट भी बनाकर दे रही हैं, और टेस्ट और क्विजेज सब बनाकर दे रही हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको मैथ्स का सिखाया, इसी तरह आप साइंस का सर्च करेंगे तो आपके पास साइंस की वर्कशीट्स भी आ जाएंगी। ये कुलसुम आयाज हैं, 3000 रुपए का ये काम करके दे रही हैं, ठीक है। नेम से ही आइडिया हो रहा है कि ये पाकिस्तान से हैं, फिर भी मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सेलर की डिटेल आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से हैं। लास्ट डिलीवरी इन्होंने 2 हफ्ते पहले करके दिया। लैंग्वेजेज इनकी उर्दू और इंग्लिश है, वही लैंग्वेज जो आप लोग बोल रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में बैठकर यही काम कर रही हैं जो अभी अभी आपने सीखा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, पूरा काम आपने डिटेल में सीखा हुआ है, आपके पास स्किल है, तो आप इसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने सिर्फ इस मैथ्स वर्कशीट की गिग के थ्रू 102 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं 5-स्टार रेटिंग के साथ। ये इन्होंने कवर पेज लगाया है, कवर पेज इस तरह का आप कैनवा से ही डिजाइन कर सकते हैं, बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे इन्होंने वर्कशीट के इस तरह से सैंपल्स दे दिए हैं, वही सारी कैनवा की वर्कशीट्स हैं जो अभी अभी आपने बनाना सीखी है। 2900 का ये एक ऑर्डर करके दे रही है, जिसमें सिर्फ 2 पेजेस तैयार कर रही है, और फॉर्मेट भी वही है PDF का, जिसमें अभी आपने अपनी वर्कशीट डाउनलोड की थी, ठीक है। अगर हम इनके बेसिक रेट से ही इनके 102 ऑर्डर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहाँ पर इनकी अर्निंग चेक कर सकते हैं कि सिंपल से काम के ये अब तक 3,03,000 रुपए कमा चुकी हैं। इसकी वजह ये है कि इन्होंने स्टार्टअप लिया, मेहनत की, कोशिश की, तभी ये इस मुकाम पर पहुंची हैं। स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर ये 11,913 रुपए का एक ऑर्डर करके दे रही है, जिसमें 10 पेजेस रेडी करके दे रही है, ठीक है। अभी आपके सामने सामने मैंने 4 पेजेस रेडी करके आपको दिखाए, इसी तरह से आप 5 मिनट के अंदर 10 पेजेस आराम से रेडी कर सकते हैं। प्रीमियम में आप देख सकते हैं 29,782 के ये सिर्फ 25 पेजेस रेडी करके दे रही है। ये अपनी गिग के अंदर बता रही है कि वर्कशीट के अंदर लाइन ट्रेसिंग होगी, कलर इन शेप होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आप यहाँ से कॉपी करके अपनी गिग के अंदर एज इट इज ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको गिग बनानी नहीं आती, अकाउंट बनाना नहीं आता, तो उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पर आएं, यहाँ सर्च बार पर आप टाइप करें फाइवर अकाउंट अर्निंग विद फरनाज, तो आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसके अंदर मैंने फाइवर पर पूरा काम सिखाया है, अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, और ऑर्डर कैसे लेना है, और पैसे विड्रॉ कैसे करने है। ये सारी डिटेल्स मैंने इस एक वीडियो के अंदर बताई है, जो कि 21 मिनट की वीडियो है। ये 21 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने किसी और कैटेगरी से रिलेटेड गिग बनानी सिखाई है, आप की गिग भी लगाएं और ये वाली कैटेगरी की भी गिग लगाएं जो अभी आपने तैयार की है वर्कशीट की, ठीक है। अब अगर वर्कशीट की गिग बनाने के लिए अगर आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आ रहा, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाएंगे ChatGPT के ऊपर, यहाँ सर्च बार पर आप लिखेंगे राइट अ गिग फॉर वर्कशीट डिजाइन, इसको सर्च करेंगे। अब आप देखिए ChatGPT ने हमें पूरी डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे दी है, डिटेल में सर्विसेज भी बता दी है कि ये सर्विसेज मैं ऑफर कर रहा हूँ, वाई चूज मी भी बता दिया है। इस तरीके से ChatGPT को यूज करके आप अपनी पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसको कॉपी करेंगे और गिग की जगह पर आप पेस्ट कर देंगे। ये हो गया मेन मेथड, गिग बनाएं और फाइवर पर काम करें जिस तरह से सारे लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सीक्रेट मेथड जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, आज दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नीचे की साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। ये एक गिग मैंने जो आपके सामने ओपन की थी, इसी में मैं बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड पर आ रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए रिव्यूज़ का कॉलम आ रहा है और 102 रिव्यूज़ फॉर दिस गिग लिखा हुआ है। 102 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्हें रिव्यूज़ दिए हैं, ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जिन्होंने इनसे काम लिया है, काम करवा कर फिर इन्हें रिव्यूज़ दिए हैं, यानी ये वो क्लाइंट्स हैं जिन्हें इस वर्क की ज़रूरत है, जो वर्कशीट बनवा रहे हैं। आप इन क्लाइंट्स के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट करके इनसे डायरेक्ट काम भी ले सकते हैं, बिना फाइवर को ज्वाइन किए, बिना गिग बनाए आप डायरेक्ट इन क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब किस तरह करेंगे, यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट क्लाइंट्स के नेम आ रहे हैं, मैं कोई से भी एक क्लाइंट यहाँ से चूज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्कूबा जैक,
ठीक है, यूएसए की है, मैंने इनको यहाँ से चूज़ किया, नाम इनका पड़ा SCUBA, स्कूबा जैक। ठीक है, अब मैं आ गई गूगल पर और मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्कूबा जैक। ठीक है, ये सेम नाम मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। अब आप देखिए कि इनकी प्रोफाइल गूगल पर भी शो हो रही है। ये एक प्री स्कूल एडवेंचर है स्कूबा जैक के नाम से, जो कि प्री स्कूल के बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाते होंगे, इसीलिए इन्हें सर्विस की ज़रूरत है। अब इनसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पहले कॉल आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, शेयर आ रहा है, उसके बाद आ रहा है वेबसाइट। आप वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह की फन बुक्स और वर्कशीट्स वगैरह बनवाते हैं और इसे अपनी वेबसाइट पर सेल करते हैं। तो ये तो बहुत ही डिमांडिंग क्लाइंट है। इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप एंड में देख सकते हैं कॉन्टेक्ट इन्फो का कॉलम है। यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी लिखी हुई है। आप इस ईमेल आईडी को यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करेंगे, आ जाएंगे अब आप जीमेल पर, एक ब्लैंक मेल ओपन करेंगे और यहाँ टू में ये वाली ईमेल पेस्ट कर देंगे जो अभी आपने कॉपी की थी। ये देखिए इसने ड्रॉप डाउन भी दे दिया, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे ऑफर फॉर क्रिएटिव वर्कशीट्स। ठीक है, इसके बाद नीचे कंपोज ईमेल वाले कॉलम में आप डिटेल में इनको अपनी ऑफर डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ सैंपल के तौर पर मैंने चार लाइनें आपको लिखकर दिखाई हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कॉपी नहीं करनी है। अगर आप सब लोग सेम डेटा को कॉपी करके आगे सेंड करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये मैंने सैंपल के तौर पर आपको बताया है कि ये चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई कैन क्रिएट अट्रैक्टिव, इन्फॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग वर्कशीट्स फॉर यू इन लो प्राइजेस। ठीक है, मैं आपको कम प्राइजेस में अच्छी अट्रैक्टिव वर्कशीट दे सकता हूँ। आई कैन ऑफर यू अ सैम्पल वर्कशीट, मैं आपको सैम्पल वर्कशीट भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ये मैंने आपको सैम्पल के तौर पर सिर्फ चार लाइनें लिखकर दिखाई हैं, लेकिन आपने इससे बहुत ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव ऑफर रेडी करनी है। एक दफ़ा बैठकर तसल्ली से अट्रैक्टिव ऑफर तैयार कीजिए, चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प भी ले लीजिए। उसके बाद आप वो सेम ऑफर हर क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप ये मेल सेंड कर देंगे, क्लाइंट आपकी मेल रीड करेगा। कम पैसों में काम हर एक को अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि हमें कम पैसों में अच्छा काम मिल जाए। क्लाइंट आपसे वर्कशीट का सैंपल मांगेगा, आप क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक एक अच्छी सी वर्कशीट तैयार करके उसको देंगे। सैंपल पसंद आने के बाद क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, उस वक्त फिर आपने क्लाइंट से अपनी प्राइस की बात करनी है और अपने पेमेंट मेथड की बात करनी है। आप अपनी मर्जी का पेमेंट मेथड क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, चाहे तो बैंक अकाउंट में ले लीजिए, चाहे तो इजी पैसा या जैस कैश में ले लीजिए। जो मेथड क्लाइंट के पास भी अवेलेबल हो, आपके पास भी अवेलेबल हो, वो मेथड आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको बेहिसाब क्लाइंट्स मिलेंगे, एक एक बंदे के पास 100-100 रिव्यूज मौजूद हैं। आप यहाँ पर हर क्लाइंट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, कुछ फेसबुक पर मिल जाएंगे, कुछ गूगल पर मिल जाएंगे। थोड़ी सी सर्चिंग आपने करनी होगी, लेकिन इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अच्छे खासे क्लाइंट्स उठा सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी आपने अपनी भी दिखानी है, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। मेरा मकसद है आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करवाना, जिसके लिए मैं हद दर्जे कोशिश करती हूँ, पूरा काम आपको डिटेल में सिखाती हूँ। बस आपने एक स्टेप लेना है, कोशिश करनी है, खुद इरादा करना है काम करने का। दिल लगाकर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा, आपकी अर्निंग इंशाल्लाह जरूर स्टार्ट होगी। आई होप आपको सारा काम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो जाने से पहले लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग मेथड के साथ। टिल देन ग्रो योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।